राजस्थान पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री पायल रोहतगी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू पर भद्दी टिप्पणी करने पर गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री पायल रोहतगी लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से कई विवादों में आ चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पायल रोहतगी की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री पायल रोहतगी की गिरफ्तारी पर शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, इसमें संदेह नहीं है कि उनकी टिप्पणी झूठी और घटिया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना समझदारी नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि बिना पुलिस हस्तक्षेप के उन्हें बेवकूफाना बातें करने देना, उन्हें रिहा कर देना चाहिए। शशि थरूर के इस ट्वीट की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। वहीं इस मामले में राजस्थान के बूंदी की एसपी एम गुप्ता ने कहा कि एक विवादित वीडियो के बाद पायल रोहतगी के खिलाफ 10 अक्टूबर को शिकायत दर्ज हुई थी। पायल रोहतगी ने ट्विटर पर कंफर्म किया था कि राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अभिव्यक्ति की आजादी का मजाक उड़ाया है। वहीं इंटरनेशनल रेसलर संग्राम सिंह ने पायल रोहतगी की गिरफ्तारी पर पीएम को हस्तक्षेप करने की मांग की है। फिल्म एक्ट्रेस और फिल्मकार रीमा कागती ने भी पायल की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान के कांग्रेस सरकार की आलोचना की है।